नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा खाने का मन करता है और कुछ अलग भी खाने का मन करता है। तो हम इस घीये से बनाते हैं एक रेसिपी जो गर्मी के दिन में इस डिजर्ट को खाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसे हम बनाकर आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ाया जो नॉनस्टिक पैन है, आप चाहे कोई सा भी पैन चढ़ा दें, कोई सा भी कढ़ाई चढ़ाए, और रूम टेम्परेचर का दूध हो या कच्चा दूध हो, कैसा भी दूध हो आप इसमें डाल दें। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गर्म दूध है। अब इस दूध को हमें, जैसे एक लीटर दूध है तो इसे हमें 750 ml करनी है दूध को। तो जब ये बॉईल होता जाए, साथ साथ जो किनारी है वो उसको खुरीचते हुए इसमें डालते जाए। तो ये देखिए, ये खोलना शुरू हो गया, तो बहुत अच्छे से बॉयल, इसमें बहुत अच्छा सा एक कुक बॉयल आ गया है। अब इसे हम इसी तेज आंच पे लगातार चलाते हुए इसे हम गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे हमने कतीला लिया, ये देखिए इस तरह का कतीला होता है वाइट कलर का, जिसको हमने खल्लड़ में इस तरह से चूर कर पीस लिया है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी डालकर इसे पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिक्सी में नहीं डालिएगा, नहीं तो मशीन का जो ब्लेड है वो टूट जाएगा। पहले इसको खल्लड़ में कूट लें, उसके बाद मिक्सी के जार में इसको पीसे, तब जाके ये बारीक पाउडर से बनकर तैयार हो। लेकिन हमने इसमें चूरा है तो बारीक हो गया है। तो ये देखिए, हमने पानी लिया है, तो पानी चाहे ज़्यादा कम लें, ये सोख कर जाती है, तो मैं इसको पानी थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो हमने 1/3 कप पानी लिया है, और ये जो हमने गोंद कूटे हैं इसे हम कतीला बोलते हैं। गोंद तो अलग होती है जो ड्राई फ्रूट के काम में आती है। गोंद को हम ठंड में खाते हैं और कतीला को हम गर्मी में खाते हैं। कतीला का तासीर बहुत ठंडा होता है और बहुत सारे फायदे हैं इस कतीले का। ये देखिए, तो ये धीरे धीरे बिल्कुल पानी सोख कर जाएगा। तो आप रेसिपी बनाने से पहले इसको इस तरह से करके रख सकते हैं। ये देखिए, हम लगातार इसको चलाते जाएंगे और इसको सुखाते जाएंगे। तो ये जो कतीला है इजीली मार्केट में मिल जाती है, इजीली ग्रोसरी दुकान में मिल जाती है, तो गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप जिस रूप में भी खाएंगे इसे, ये फायदेमंद है। इस समय बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी और बुजुर्ग भी खा सकते हैं, लेकिन इसका तासीर थोड़ा सा ठंडा होता है। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच दूध लेंगे और इसमें हम केसर के धागे डाल देंगे और इसे इस तरह से हिलाते हुए मिला दें और इसे एक साइड रख दें। तो हमने यहाँ पे जो घिया लिया था उसका हाफ मैं इस रेसिपी में यूज करूँगी। तो जो हाफ है उसको हम साइड रख देंगे और दूसरे वाले को हम इस तरह से छील लेंगे। और ये साइड से भी इसको उतार दें। ये घिया जो बिल्कुल कच्चा है, ये देखिए, इसको हमने अच्छे से धो लिया है। और इस तरह का प्रिल मिलता है जिसमें ये खांचे बने होते हैं, तो इस तरह से आप, तो फिर ये पतली पतली स्लाइस कट कर निकल जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक निकलता जाएगा, आपको दिख रहा होगा। देखिए, तो ये देखिए, इस तरह से हम पूरे घी को इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। तो ये देखिए, जहां से बीज आ गया हमने वहां पे छोड़ दिया है। तो बड़ी छोटी जैसे भी होगी आप वैसे कट, जरूरी नहीं कि हमें बिल्कुल लंबी में ही कट करनी है। आप चाहे तो इसका भी हाफ करके फिर आप इसको ब्रिल कर लें। अगर इतना छोटा भी होगा, आपको दिखा देते हैं या फिर मैं करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए, अगर इतना छोटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको ठीक लगेगा उस तरह से कर लें। बाकी ये जो घिया बच गया इसका हम आगे यूज कर लेंगे। तो ये जो हमारा निकल कर तैयार हुआ, इसे बस एक बार हमें पानी में बॉईल करना है और उसे हम पानी से निकाल देंगे। तो ये देखें, उसको समेट ले अच्छे से और इस तरह से सॉसपैन में डालकर इसे बॉईल कर ले।
अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे, बस एक अच्छा सा बॉयल है, 1 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये जो घिया था बहुत अच्छे से खोल चुका है और 1 मिनट अच्छे से हो चुका है, तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे और पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा 1 लीटर दूध था वो 800 ml हो चुका है, तो यहाँ पे जो हमने घिया को अभी पानी में बॉईल किया था इसको इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, तो घिया को पानी में डालने का यही रीजन है कि जो इसमें एक जो घिया का है एक रिजेंस होता है वो निकल जाए, अब इसे दूध में अच्छे से पका लेंगे। तो ये बहुत ही बारीक है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए, तो इसे अब हमें बस सिझाना है और जो हम इसमें डालते जाएंगे वो आपको हम बताते जाएंगे। तो ये देखिए, आपको हम चेक कराते हैं, ये जो है ना बनकर बहुत जल्दी तैयार होती है। तो अब इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारा घिया जो है वो सीजने वाला है। आपको मैंने चेक करा है, दोबारा से मैं आपको चेक करा दूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मीठा के लिए हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, आप चाहे तो धागे वाले मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पे 1/4 कप अभी डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आप मीठा खाते हैं। तो हमने एसेंस के लिए भी ऐसा कुछ नहीं डाला, एसेंस के लिए आप इसमें केसर का दूध डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर। तो इसमें हम 1/4 कप और डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा मीठा होता है, तो ये जरा मीठा होता है तभी अच्छा लगता है। ये देखें, इसी तरह से थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो केसर वाले दूध भिगोए थे वो इसमें हम डाल देंगे। लास्ट लास्ट तक जब आप दूध को पकाएं सुखाएं तब खरोसते रहें ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। हम इसे कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये खुरचन से ही हमारा दूध गाढ़ा होता जाता है। ये देखें, तो अब यहाँ पे बस थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से ये गल चुका है बिल्कुल, तो इस स्टेज पे हम बंद कर देंगे। ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं लेकिन अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम गैस बंद करके ठंडा होने देंगे। पतीला गोंद को हमने जो फूलने दिया था आपको दिखाया था, ये देखिए फूल की कितना सारा हो गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। मैंने कितना दिया था, बस थोड़ा सा, ये पूरा कटोरी भर गया है। ये देखिए, दूसरा हमने इसको ठंडा कर लिया जो हमने बनाए थे खीर कद्दू के। तो इस तरह से हमने रबड़ी जैसे तैयार कर लिया और 2 से 3 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दी थी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ठंडी है। तो आप इसे कैसे खाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप सजाएंगे। तो ये देखिए, हमारी जो घी की रेसिपी बनाई थी दूध के साथ में वो बनकर तैयार है और वो बिल्कुल ठंडी सी है, बिल्कुल चिल्ड है। तो आप 2 से 3 घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख लें, उसके बाद इसे सर्व करें। तो पहले हम इसमें एक डाल देते हैं आइस, ठंडी तो है लेकिन एक मैं इस तरह से आइस डाल रही हूँ। देखे, अब इस आइस पे डालेंगे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी, क्योंकि इसमें टूटी फ्रूटी ज़्यादा पसंद आता है खाने में। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट तो डाल सकते हैं लेकिन टूटी फ्रूटी का टेस्ट बिल्कुल अलग लगता है इस रेसिपी में। और यहाँ पे डाल लेंगे ये भीगा हुआ गोंद। तो इस तरह से गर्मी के दिन में जब हम बनाकर बच्चों को खिलाते हैं, खुद भी खिलाते हैं या फिर कोई गेस्ट आ जाता है, अगर बना हुआ है तो गेस्ट को जरूर खिलाएं, उसे बहुत पसंद आएगा। देखिए, गेस्ट भी बहुत चाव से खाएंगे, पूछेंगे क्या बनाया और कैसे बनाया। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही यमी, टेस्टी है, हेल्दी है सबके लिए। इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं।
इस कतीले में कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है ये कतीला। आप इसमें कुछ भी ऐड करके खा सकते हैं और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमारे शरीर को बिल्कुल ठंडा रखता है। आप चाहे से जिस रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाकर जब बच्चों को देते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद बनाइए, खाइए और अपनी राय हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।